था और जो हम निशान लाए थे वो यहाँ जमा हो गया है और हमको एक दूसरा निशान दे दिया कि आप भी ऐसे देखे और दूसरा निशान लेके जा सकते हो अपने साथ। जय हो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। तो राम राम भाई, सारा ने स्वागत आपका अपने चैनल वेदी ब्लॉग्स में और मैं होस्ट यतीश वेदी। तो भाई अपने पीछे वाले ब्लॉग में देखा ही होगा, तो भाई हारे के सहारे की जय हो। हम भाई निशान अपना रिंगस से निशान उठा के और बाबा के द्वार पे आ चुके हैं, बाबा के धाम पे आ चुके हैं। तो भाई यहाँ करेंगे बाबा के दर्शन और मंदिर की टाइमिंग भाई जो मैंने पूछा है वो है सुबह 5 से लेके और रात 10:30 तक और 12:30 बजे के करीबन 10 मिनट का भोग लगता है बाबा पर। और भाई मैंने पीछे वाले ब्लॉग में ही बताया था भाई, आप अगर रिंगस से पैदल आ रहे हो तो भाई पहले तो भाई पानी वानी खूब पियो, दबा के पानी पियो और कुछ खाओ पियो भाई। और क्या नाम है, नंगे पैर मत आओ यार, बुरा हाल हो गया भाई मेरा। मैं करीबन 3 से 4 किलोमीटर चला था, उतने में मेरे छाले हो गए क्योंकि नंगे पैर चला नहीं ना मैं कभी। और भाई मैं बिल्कुल पास आ गया हूँ अपना, ये है बाबा श्याम का द्वार, ये न्यू बनाया है और देख सकते हो आप कितना खुला है। मतलब अपने वीडियोज़ में तो अब तक देख भी लिया होगा काफ़ी, बिल्कुल देख लो मतलब कितनी लाइनें हैं। तो चलते हैं अंदर और करते हैं बाबा श्याम के दर्शन। और भाई जो हम निशान लाए थे या आप जो भी निशान लेके आओ बाबा को, फूल माला इत्र चढ़ाने के लिए प्रसाद कुछ भी अंदर नहीं जाता है भाई, नारियल वारियल सब यहीं जमा हो जाता है और जो हम निशान लाए थे वो यहाँ जमा हो गया है और हमको एक दूसरा निशान दे दिया कि आप भी ऐसे देखे और दूसरा निशान लेके जा सकते हो अपने साथ। और फूल माला इत्र प्रसाद कुछ नहीं चढ़ता, सिर्फ प्रसाद दिखाया जाता है बाबा को, चढ़ता नहीं है। तो भाई कुछ भी एनीथिंग पर कुछ भी मत लेके आइए, कुछ नहीं चढ़ता है अंदर। देखो भाई कितनी सारी लाइनें बना दी हैं, अभी तो खाली है लेकिन लगातार आ रहे हैं भाई और सफाई का काम भी कंटिन्यू है। और देखो सामने दिख रहे हैं हमारे बाबा, चलो मैं पास से दिखाता हूँ आपको, बाबा का श्रृंगार। और वो रे मनवेंद्र जी खाटू जी, मैं मिला था पुजारी जी से। बोलो हरे के सहारे की, तीन बार धारी की। एक और LED LCD जिसमें बाबा के हम यहाँ से दर्शन कर सकते हैं वर्चुअली, तो मेरे हो रहे फिलहाल। और जब आप देखोगे भाई आपको भी मज़ा आएगा दर्शन करके, बाबा आप सबकी मनोकामना पूरी करे। और ये भाई बिल्कुल मंदिर में एंट्री हो गई हमारी, बिल्कुल न्यू लुक, बिल्कुल ही नया लुक है बाबा श्याम का, घर बिल्कुल नए रूप में बन के तैयार हो गया है। जय हो। और ये है भाई बाबा का द्वार। तो भाई दर्शन हो गए एक नंबर यार, दिल खुश हो गया। वो एक नहीं मित्र जी वाली बात है, मतलब इतनी लंबी लाइन इतनी दूर से पैदल आए, दर्शन मात्र 2 सेकंड के, लेकिन भाई मेरे तो मतलब ये लगा लो कि 1 मिनट से भी ऊपर के दर्शन हो गए। 1 मिनट नहीं तो यार 30 सेकंड तो कम से कम हो ही गए, 2 बार करके आया मैं एक ही लाइन में। दिल खुश हो गया भाई, मतलब जितना मेहनत की थी ना उतना दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया यार, बिल्कुल दिल खुश हो गया, मतलब क्या बोलूँ मैं, हो गया दिल खुश। यहाँ से भाई आप जैसे ही बाबा के दर्शन करके आओगे तो ये है श्री श्याम जनरल स्टोर पारिक रेस्टोरेंट, मतलब यहाँ से आप, फेमस है यहाँ की कचौरी खाटू श्याम जी की, कढ़ी कचौरी समोसा कचौरी, ये 15 की और 20 की है भाई, और वहाँ 25 की और 20 की है, तो आप यहाँ से खाइए, ये प्रसिद्ध भी है और रेट भी इसका ठीक है। तो भाई फिलहाल मैं रिंगस और मैं खाटू श्याम जी से भाई रिंगस आ गया क्योंकि वो नंगे पैर चल लिए ना, तो यार पैरों में प्रॉब्लम हो रही है मतलब छाले टाइप में। तो फिर कल मेरे को मेहंदीपुर बालाजी भी निकलना था, तो वहाँ से तो मेरे को मिलती नहीं, तो यहाँ से बस से तो जा नहीं रहा यार क्योंकि फिर ट्रेन है, ट्रेन से जयपुर और जयपुर से फिर अपना सीधी बांदीकुई की ट्रेन मिल जाएगी मेरे को और जल्दी पहुँचा देगी उसमें, वो ही ठीक है कम से कम आराम से खुले में तो बैठ के जाऊँगा। तो फिर आपको अगर मेहंदीपुर बालाजी जाना है ना भाई, सालासर बालाजी की तो मिल जाएंगी, खाटू श्याम जी से भी,
और अगर आपको मेहंदीपुर बालाजी के लिए जाए तो आप रिंगस वापस आके वही 50 रुपये किराया है। रिंगस से फिर अपना जयपुर के लिए ले लो ट्रेन, वो ट्रेन तो आप उसमें टाइम देख लेना, ट्रेन बहुत सारी है भाई। और जयपुर से फिर बांदीकुई के ले लियो, और बांदीकुई से वही अपना आधे घंटे का रास्ता है, वो सीधी मेहंदीपुर बालाजी उतारेगी आपको। तो फिर भाई अगर आपने इस वीडियो अच्छा तो लगे होगा यार बाबा शाम के दर्शन हुए हैं, तो फिर शेयर कर देना और कमेंट कर देना जय श्री शाम का। तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, और ढेर सारा प्यार दो वीडियो को। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, जय श्री श्याम, जय लगदा तारक।